हम सीखेंगे वसूली खाता बनाना। वसूली खाता जिसमें दो पक्ष होते हैं, पहला होता है डेबिट पक्ष और दूसरा होता है क्रेडिट पक्ष। इसमें क्या होता है, डेबिट पक्ष में हम सभी प्रकार की संपत्तियों को लिख देते हैं, जैसे कि स्टॉक होता है, देनदार होता है और स्थायी संपत्तियां जो भी होती हैं, सभी संपत्तियों को हम देख कर लिख देते हैं। और जिसके बाद जिसके क्रेडिट पक्ष में सभी प्रकार के दायित्वों को लिख देते हैं, दायित्व में लेनदार होते हैं, संदिग्ध ऋण होता है, बैंक अधिविकर्ष आदि जो भी होते हैं सभी को हम लिख देते हैं। और यह चिट्ठी की सहायता से बनाया जाता है, जिसके बाद दोनों तरफ अब जैसे डेबिट पक्ष में लिख देते हैं रोकड़ खाते से और क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं रोकड़ खाते को। अब जितने भी हमारे इन संपत्तियों की वसूली होती है वह समायोजन में दिया रहता है, तो उतनी ही हम वसूली यहां पर कर देते हैं। समायोजन में दिया रहता है देनदार इतने के हैं, 20,425 की वसूली हुई, स्टॉक 7,000 का और संपत्तियां 42,000 की वसूली हुई है, तो उन तीनों को देखकर हम यहां पर जोड़कर बाहर लिख देते हैं। यदि किसी प्रकार की संपत्ति की वसूली नहीं होती है तो जितने की यहां पर दी रहती है उतनी हम सेम टू सेम यहां देखकर लिख देते हैं। उसी प्रकार जितने भी यहां पर दायित्व दिए उन दायित्वों को हम डेबिट पक्ष में रोकड़ खाते के कालम में लिख देते हैं और इसमें वसूली व्यय हम लेनदार के उसमें जोड़ देते हैं। और यदि कोई दायित्व यदि यहाँ पर इस तरफ नहीं दिया है तो उसको सेम देख कर लिख देते हैं। इस प्रकार से बस जोड़ घटाना करते हैं, हमारा खाता तैयार हो जाता है। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो केवल देख कर काम करना पड़ता है। इस तरफ का जैसे हमने योग लगाया तो आया 1,17,925, इस तरफ का आया है योग 1,15,000, तो हम इसमें से घटाते हैं, घटाने पर बचता है 2,925 रुपया। तो यह हमारी लाभानी के नाम से इस तरफ लिख देते हैं। यदि डेबिट तरफ का योग कम आता तो यह हमारा लाभ होता है। लाभ का विभाजन साझेदारों के अनुपात में कर दिया, तो जिस प्रकार से यहाँ पर लाभ की जनगणना को हम देखते हैं, साझेदारों का अनुपात दिया है 3:2, इस प्रकार से लाभ को हमें बांटना, तो सुप्रिया का भाग और जिसमें 2,925 को बांटना है, सुप्रिया का अनुपात 3 दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल 5 होंगे, बटे 5 जाएंगे, 5 से काटने पर इसकी राशि निकलती 1,755 रुपये। इस प्रकार मोनिका का भाग लिखते हैं, 2,925 से मोनिका का भाग 2 दिया है और यहाँ पर कुल योग 5 है, घटाने पर भाग करने पर 1,170 बचते हैं, दोनों ये 1,755 और 1,170 रुपये जो है ना इनके लाभ लाभ के हिस्से में लिख देते हैं। इस प्रकार दोनों तरफ का हमारा योग बराबर हो जाए, देखेंगे इस प्रकार से हमारा वसूली खाता तैयार हुआ।